नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अलवर से फजल हुसैन और श्रीगंगानगर से देवकरण नायक को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने इमरान खान को टिकट दिया था। इमरान खान 50,000 से ज्यादा वोट लेने में सफल रहे थे, जिसके वजह से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र को हार का सामना करना पड़ा था। इमरान खान अब कांग्रेस में शामिल हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में अलवर के तिजारा विधानसभा से बहुत कम मतों से बीजेपी के महंत बालकनाथ से चुनाव हार गए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती ने एक बार फिर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। आपको बता दें कि चौधरी फजल हुसैन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव थे, लेकिन बसपा का टिकट मिलते ही उन्होंने कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की मंशा से ही बसपा ने चौधरी फजल हुसैन को टिकट दिया है, क्योंकि अलवर में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता आया है। इस बार भी ऐसा ही होने के आसार हैं। अलवर में करीब 15% आबादी मुस्लिम है, ऐसे में बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करके कांग्रेस के लिए कठिनाई पैदा कर दी है। तिजारा, रामगढ़ और कोटपुतली और लक्ष्मणगढ़ में मुस्लिम वोटर्स बहुत आयत हैं, जो कि कांग्रेस से समर्थक माने जाते हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। सामाजिक ध्रुवीकरण के लिहाज से प्रदेश के सबसे चर्चित सीटों में से एक तिजारा सीट रही थी, जहां अलवर से लोकसभा सांसद बाबा बालकनाथ को भाजपा ने प्रत्याशी चुनाव में उतारा था। हरियाणा की सीमा से लगे इस सीट के साथ अलवर जिले का एक बड़ा हिस्सा मेवात में आता है, जहां कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की चुनावी नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका में होते हैं। तिजारा में इसमें सबसे प्रमुख है और बालकनाथ को मैदान में उतार कर भाजपा ने यहां इस फैक्टर को खास खत्म करने का दाव खेला था, जो सफल रहा। कांग्रेस के इमरान खान तिजारा से करीब 6,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब देखना ये होगा कि अलवर की सियासत में कौन किस पर भारी पड़ता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।